चलिएगा। तो अब हम बात करेंगे द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कब से कब तक लड़ा गया था ये युद्ध। तो ये युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784, 1780 से 1784 तक जो युद्ध हुआ है वो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो अब इस वॉर के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, इस युद्ध के ऊपर अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इस युद्ध को डिस्कस करने से पहले हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं कौन से युद्ध को, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को। तो देखिए, जब भी आपसे बात की जाएगी ना फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की, तो पहला पॉइंट तो आपको ये बताना होगा कि कब से कब तक लड़ा गया था। तो आपको बताना होगा 1769 से 1767 से 69 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। फिर आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके क्या रीजन थे, उसके क्या कारण थे। तो देखिए, रीजन जो है वो ये है कि अंग्रेजों को ये प्रॉब्लम है कि मैसूर की स्ट्रेंथ और पावर कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अंग्रेजों को ये प्रॉब्लम है। मैसूर को क्या प्रॉब्लम है, मैसूर को अंग्रेजों की जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है उससे मैसूर को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे ना दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और मैसूर की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो जब मैसूर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उससे प्रॉब्लम किसको हो रही है, अंग्रेजों को, और किसको हो रही है, मराठों को, और किसको हो रही है, निजाम को। तो इन तीनों ने एक त्रिगुट बना लिया, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक ट्रायो पार्टी बना ली। कौन कौन सी, एक जिसमें है निजाम, ब्रिटिशर्स एंड थर्ड नंबर पे मराठे। ठीक है, अब ये तीनों एक साथ हो गए हैं और अकेले अकेला पड़ गया है कौन, हैदर अली। ठीक है, लेकिन हैदर अली काफी चालाक था, काफी इंटेलिजेंट था। और हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने मराठों के साथ और साथ ही निजाम के साथ क्या कर लिए, समझौते कर लिए, और दोनों को लालच दे दिया, या दोनों के साथ कुछ इस तरह से समझौते किए कि इन्होंने अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, सपोर्ट नहीं किया उन लोगों को, तो ब्रिटिशर्स अकेले हो गए और यहाँ पे हैदर अली। अब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और निजाम ने कुछ समय तक सपोर्ट भी किया किसे, या आर्मी सपोर्ट भी दिया किसे, हैदर अली को। नाउ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉज फॉट। ठीक है, अब दोनों के बीच में पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और इसमें हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया, और दो ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर ट्रीटी करना पड़ी, संधि करना पड़ी। दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो साइन की गई 1769 में। ठीक है, और इसके क्या पॉइंट्स थे, प्रोविजंस थे, तो बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। बोथ द पार्टीज विल हेल्प ईच अदर, एंड द सेकेंड प्रोविजन वॉज टू द ब्रिटिशर्स शुड गेव सम कंपनसेशन टू हैदर अली। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन्स थे ट्रीटी ऑफ मद्रास के। अब हम बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की, या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण है वो आपको फर्स्ट में ही क्लियर हो जाता है। जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हम पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं कि जिस कारण, जिस संधि से खत्म हुआ था ना, वही कारण बनता है। ठीक है, कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लेकिन जब मराठों के अटैक होते हैं तो हेल्प नहीं की जाती है, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 82-84। देखिए, यहाँ पे आप जब देखते हैं कि फर्स्ट जो वॉर होता है वो 1767 से 69 होता है। अब 69 से लेकर 1769 से लेकर 1780 तक के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के ऊपर हमें हल्का सा डिस्कशन करना होगा, और उसके बाद फिर हम इस युद्ध के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो जो इवेंट्स इस बीच में हुए हैं, जो घटनाएं इस बीच में हुई हैं, जो डेवलपमेंट इस बीच में हुए हैं, वही कारण बनते हैं आपके सेकेंड वॉर के। ठीक है, तो 1769 से 1780 के बीच में जो घटनाएं घटी हैं, एक बार हल्का सा हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर आप लोग ये देखिए कि इन 1771 1771 में इन 1771 मैसूर पर अटैक किया जाता है किसका, मराठों का। ठीक है, मराठा इन्वेड्स ऑन मैसूर। और आप लोगों को पता है मराठों को इस समय कौन लीड कर रहा है, मराठों के पेशवा इस समय कौन है, तो आप लोगों को पता, माधवराव प्रथम। तो माधवराव प्रथम जो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, वो मराठों को लीड कर रहे हैं और सबसे योग्य पेशवा के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब माधवराव प्रथम के नेतृत्व में अटैक हो रहा है किस पर, टीपू हैदर अली पर। और चूंकि आप लोगों को पता है कि यहीं पर ट्रीटी करी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, तो जब हेल्प मांगी गई हैदर अली के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे हेल्प करने से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। क्योंकि, क्यों मना कर दिया, क्योंकि उनके मराठों के साथ भी क्या है, ट्रीटी है, मराठों के साथ भी इसी तरह की संधि है कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब मराठों के साथ भी संधि है, और चूंकि मराठे ज्यादा मजबूत हैं, मराठे ज्यादा स्ट्रेंथफुल हैं,
एज कम्पेयर टू हैदर अली, इसलिए उन्होंने किसकी हेल्प नहीं की है, हैदर अली की हेल्प नहीं की, हालांकि एक संधि उन्होंने हैदर अली के साथ भी कर चुके हैं। अब ये सिर्फ एक बार ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, जितनी बार मराठों ने इन्वेजन किए हैं उतनी बार हैदर अली ने हेल्प मांगी है किससे, ब्रिटिशर्स से, बट उन्होंने हेल्प नहीं की, हर बार क्या किया है, रिफ्यूज किया है, ठीक है, तो हर बार मना किया है, तो ये एक बड़ा कारण है कि बार बार उसको मना किया गया, जबकि शुरू में जो संधि थी उस संधि में ये प्रोविजन था, और यहाँ पे उस संधि का अब पूरी तरह से क्या हो चुका है, वायोलेशन हो चुका है और उल्लंघन हो चुका है, ठीक है। तो एक बात आप लोगों को ये क्लियर हो गई है कि इन 1771 में मैसूर पर मराठों ने अटैक किए, मैसूर पर मराठों ने आक्रमण किए, तब मैसूर ने अंग्रेजों से हेल्प मांगी लेकिन अंग्रेजों ने हेल्प करने से मना कर दिया, ठीक है, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तब मैसूर ने किससे हेल्प मांगी होगी, जब इन्होंने हेल्प नहीं की है, ब्रिटिशर्स ने हेल्प नहीं की है, तो वो किससे हेल्प मांगेंगे, तब वो हेल्प मांगेंगे किससे, फ्रांसीसियों से, तब मैसूर ने या हैदर अली ने किससे हेल्प मांगी है, फ्रांसीसियों से, और फ्रांसीसियों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है किसका, हैदर अली का, ठीक है। दूसरी बात अगर करते हैं अपन, दूसरी घटना के ऊपर बात करते हैं, इन 1775 में क्या हुआ, 1775 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट ये होता है कि एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया 1775 में एंग्लो मराठा वॉर हो गए, ठीक है, और जब ये एंग्लो मराठा वॉर हुए हैं तो मराठा और निजाम एक साथ आ गए हैं, यहाँ पे मराठा प्लस निजाम, और अगेंस्ट में कौन है, तो अगेंस्ट में है आपके ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो 1775 में मराठा और निजाम क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं, और किसके खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ वो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। इस बात पर या इस घटना का फायदा उठाया है टीपू सुल्तान हैदर अली ने, और हैदर अली ने इन दोनों के साथ क्या कर ली है, ट्रीटी कर ली है, इन दोनों के साथ संधि कर ली है, और इनके साथ मिल गया है कौन, हैदर अली भी, ठीक है। तो हैदर अली साइन ट्रीटी, तो हैदर अली ने भी इन दोनों के साथ संधि कर ली, निजाम के साथ और मराठों के साथ, तो अब ये तीनों एक साथ आ गए, मराठा, निजाम और हैदर अली, ठीक है। अब अकेले कौन हो गए, अंग्रेज, लेकिन ये 1775 का इवेंट है। अब इसके बाद की अगर हम घटनाओं की बात करें, 1775 के बाद की घटनाओं की बात करें, तो आप लोग देखेंगे 1776 में क्या होता है, 1776 का जब दौर आता है तब क्या होता है, तो 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन अपने चरम पर होता है, ठीक है। अमेरिका में जो रिवोल्ट चल रहा है वो काफ़ी चरम पर है, और आप सभी को पता है कि अमेरिका ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश था, सबसे लार्जेस्ट कॉलोनी थी कौन, अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन है वो काफ़ी चरम पर है, और 4 अप्रैल 1776 को अमेरिका में इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है 4 अप्रैल 1776 को, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफीट हो जाती है, एक बहुत बड़ी हार हो जाती है किसकी, ब्रिटेन की, ब्रिटिशर्स की, और वहां पर भी अंग्रेजों के जो दुश्मन है वो कौन है, फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच सपोर्ट करते हैं अमेरिकन्स को, और उन्हीं की हेल्प से ये वहां से रिमूव कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। देखिए ब्रिटिशर्स के लिए ना अगर बात की जाए तो 1770 से 1780 वाला जो दौर था वो काफ़ी बुरा दौर कहलाता है, 17 और थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं, 1765 से 1783 तक का जो पूरा दौर है वो काफ़ी बुरा दौर कहलाता है अंग्रेजों के लिए, 1770 से 80 तक का दौर, ठीक है। तो अमेरिका उनके हाथ से निकल जाता है। दूसरा, इंडिया में कंटिन्यूअसली युद्ध हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, जैसे कि पहले कार्नेटिक वॉर्स, फिर अब यहाँ पे हम बात करें तो मैसूर वॉर, फिर मराठा वॉर्स, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअसली वॉर्स में इंगेज होने के कारण क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है EIC का वो कम हो जाता है, और करप्शन कंटिन्यूअसली उसमें बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें 1776 में अमेरिका हाथ से निकल गया, अब यहाँ पे क्या होता है, तीसरी बात की जाए, इन 1773 एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट को पास कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट पास हो चुका। अब रेगुलेटिंग एक्ट पास होने का क्या मतलब होता है या उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है यहाँ के पॉलिटिक्स पर या यहाँ की हिस्ट्री पर, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इस एक्ट के माध्यम से EIC की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको एक प्रकार से नियंत्रित किया गया है या कंट्रोल्ड कर लिया गया है, किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के हिसाब से EIC यहाँ पे अब रन होगी, EIC काम करेगी।
तो सबसे पहली चीज ये हुई इस एक्ट की, सबसे खास बात ये है कि जो बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए हैं, और इंडिया में जितने भी कॉलोनी है, जितने भी उपनिवेश बने हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ठीक है, तो अब पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी प्रेसिडेंसी है, जितनी भी उपनिवेश हैं, जैसे उस समय सिर्फ तीन थे, एक मद्रास था, एक कलकत्ता या बंगाल था, और तीसरा जो था बॉम्बे था। तो अब इन दोनों जगह के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन है, उसके नियंत्रण में है, उसके कंट्रोल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बंगाल में गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर दिया गया है, और उसके उसको इन दोनों को भी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों के काम को भी संभालना होगा। ठीक है, अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो अपॉइंट किए गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो काफी इंटेलिजेंट और काफी योग्य व्यक्ति था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनता है तो इसके सामने कई प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसियों की जो पावर है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है इस दौर में, 70 to 80 के दौर में क्या हो रहा है, फ्रांसीसियों की स्ट्रेंथ या पावर कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट भी उसी समय पर है, तो यहाँ पे फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ रही है, और जिसका जिसके कारण ब्रिटिशर्स काफ़ी नुकसान में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए फ्रांस की अगर पावर की बात की जाए, तो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैसूर को सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। ठीक है, तो मैसूर और फ्रांस के बीच में गठबंधन है, जिससे कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्रांसीसियों की पावर बढ़ रही है। दूसरी बात की जाए तो अमेरिका में भी फ्रांसीसियों की पावर बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन्स को हेल्प करके ब्रिटिशर्स को वहां से रिमूव कर दिया है। तो पहली बात यह है कि फ्रांसीसियों की पावर बढ़ रही है, तो इस पावर को रोकने का काम भी किसका है, वॉरेन हेस्टिंग्स का है। मैसूर और फ्रांस के बीच में जो गठजोड़ है उसे खत्म करना होगा। दूसरी बात की जाए तो मराठों के साथ अभी अभी संघर्ष, मराठों की पावर भी बढ़ रही है और उनके साथ भी इनका संघर्ष हुआ। 75 में बताया मैंने कि 1775 में मराठों के साथ संघर्ष हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक समस्या है किसके सामने, वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने। तीसरी अगर बात की जाए तो मैसूर की जो पावर है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो पावर राइजिंग ऑफ मैसूर इज कंटिन्यूअसली हैपन, तो मैसूर की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इन तीनों प्रॉब्लम से निपटने का काम किसका होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी प्रॉब्लम कहां से सॉल्व करना, कहां से स्टार्ट करता है, मैसूर से। ठीक है, और मैसूर में फ्रांस और मैसूर का जो की जो प्रॉब्लम है उसे सबसे पहले सॉल्व करता है, और सबसे पहला ही काम क्या करता है कि वो 1779 के अप्रोक्स, 1779 के अप्रोक्स, लगभग थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, 1779 में जो फ्रांसीसियों की एक ट्रेड सेंटर था, जो फ्रांसीसियों का एक केंद्र था, ठीक है, कौन सा, माहे। तो माहे जो आज के समय केरल में आता है, उस समय मैसूर स्टेट का एक पार्ट था, या मैसूर राज्य में के अंतर्गत आता था माहे। माहे जो किसकी बस्ती थी, किसका क्षेत्र था, फ्रांसीसियों द्वारा बसाया था। तो माहे पर 1779 में अटैक कर दिया जाता है, किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स हमला कर देता है किसके ऊपर, माहे के ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये जो घटना या ये जो इवेंट किया है, ये काफी ज्यादा एग्रेसिव इवेंट है, काफी ज्यादा एग्रेसिव घटना है जो की गई है किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, इससे काफी ज्यादा गुस्से में आ गया है कौन, हैदर अली। ठीक है, अब ऐसा सिर्फ एक ही इवेंट नहीं हुआ था, ऐसे और भी इवेंट हुए थे जो कारण बनते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के, लेकिन सबसे पॉइंटेड जो इवेंट है वो 1779 के अप्रोक्स जो अटैक हुआ था माहे पर, वो एक मुख्य कारण बनता है द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, 1779 में जो अटैक हुआ है किस पर, माहे पर। माहे इज द टेरिटरी, या माहे इज द पर्टिकुलर ट्रेड रीजन और रेसिडेंशियल रीजन फॉर ऑफ फ्रांसीसी। ठीक है, अब माहे का क्या इंपोर्टेंस था उसकी बात करते हैं। ठीक है, माहे वॉज ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस टू हैदर अली। हैदर अली के लिए काफी रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण स्थान था माहे, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस रखता था माहे। फाइव, हु रिसीव्ड फ्रेंच सप्लाइड आर्म्स एंड एम्यूशंस थ्रू द पोर्ट। तो यहां से क्या होता था कि हैदर अली फ्रांसीसियों के कई सारे इक्विपमेंट्स प्राप्त कर लेता था जो युद्ध से रिलेटेड होते थे, कई सारे म्यूनिशंस वो रिसीव कर लेता था जो उसके लिए काफी बेनिफिशियल थे। ठीक है,
एंड हैदर हैड नॉट ओनली टोल्ड द ब्रिटिश दैट इट वॉज अंडर हिज प्रोटेक्शन, और उसने ब्रिटिशर्स को ये बोल रखा था कि ये जो क्षेत्र है वो उसकी सुरक्षा के अंदर है, उसके सुरक्षा के दायरे में है, ठीक है। ही हैड ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रूप्स फॉर इट्स डिफेंस, साथ ही वो फ्रांसीसियों के जो सोल्जर्स थे, जो ट्रूप्स थे, उन्हें भी वहां से रिसीव करता था, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए, और साथ ही कई इक्विपमेंट्स, काफी सारी चीजें थी जो वहां से वो माहे से रिसीव करता था, एक बंदरगाह भी था माहे, ठीक है। अभी क्या होता है, विच इज एडिशन टू द फ्रेंच इंक्लूडेड द मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद, तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया था, एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। तो ये जो माहे पर इन्वेजन किया गया है, इससे हैदर अली काफी ज्यादा क्या हो गया है, गुस्से में आ गया है, काफी ज्यादा अटैकिंग मोड पर आ गया है, और इसी कारण से आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। देखिए माहे किसके क्षेत्र में आता है, माहे आता है हैदर अली के या मैसूर में, तो जब माहे पर अटैक किया तो इसने इसे अपनी सोवरनिटी पर एक थ्रेट माना। विदाउट परमिसिंग हिम हाउ कैन ब्रिटिशर्स इन्वेड इन हिज टेरिटरी, ठीक है, तो उसके क्षेत्र में कैसे अटैक किया जा सकता है बिना उसे पूछे, ठीक है, तो और जो कि उसके लिए काफी इंपोर्टेंस एरिया है, और फ्रांसीसी तो कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे हैं किसे, हैदर अली को। तो जैसे ये घटना घटती है वैसे ये इन्वेजन शुरू हो जाता है, ये अटैक शुरू हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ना तीन लोग एक साथ हैं, कौन कौन से तीन लोग एक साथ हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मराठा, निजाम और हैदर अली, इन तीनों के बीच में संधि हुई थी और ये तीनों एक साथ हैं। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स इतना भी मूर्ख नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स काफी चालाक था, और उसने यहाँ पे हेल्प ली किसी डिप्लोमेसी की, किस चीज की, कूटनीति की, और ड्यू बाई द डिप्लोमेसी इसने क्या किया है, इसने इन दोनों को, किसे, मराठों को और निजाम को, हैदर अली से क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है, हैदर अली से अलग कर दिया किसे, मराठों को और निजाम को, और अब यहाँ पे हैदर अली अकेला हो गया है, ठीक है, हैदर अली अलग अकेला हो गया है, और ब्रिटिशर्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे युद्ध लड़ा जाएगा। अब किस तरह से इन्हें अलग किया गया, तो जैसे कि हम बात करें निजाम की, तो निजाम को लालच दिया गया किसका, गुंटूर का। गुंटूर जो काफी फर्टाइल एरिया था, काफी उपजाऊ क्षेत्र था, और गुंटूर के माध्यम से निजाम का सपोर्ट छीन लिया गया किससे, हैदर अली से, ठीक है। दूसरी बात की जाए मराठों की, तो मराठा कन्फेडरेसी में दो पावरफुल स्टेट्स थे, एक सिंधिया और एक भोसले, ठीक है, तो सिंधिया और भोसले को अलग कर दिया गया है, सिंधिया और भोसले को डिटेच कर दिया गया है, क्योंकि उस दौर में ना उस समय पर ये दो पावरफुल थे। देखिए पेशवा उस समय पर मजबूत नहीं थे, क्योंकि पेशवा जो थे उस समय पर देखा जाए तो पेशवा काफी छोटे से बच्चे को पेशवा बनाया गया था, क्योंकि माधवराव नारायण राव, माधवराव की मृत्यु हो जाती है 72 में, और फिर नारायण राव की भी कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है, और फिर रघुनाथ राव की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो फिर माधवराव का जो नारायण राव का जो छोटा सा पुत्र होता है माधवराव द्वितीय, उसे पेशवा बनाया जाता है। तो पेशवा जो थे पुणे में वो उतने उस समय पर मजबूत नहीं थे, उतने पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं थे, उस समय पर भोंसले, सिंधिया, होलकर इनका वर्चस्व था। तो यहाँ पे क्या करते हैं अंग्रेज, सिंधिया और भोंसले इन्हें क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं हेल्प करने से, ठीक है। तो ये जो मराठों का सपोर्ट था ये भी छिन जाता है, और निजाम का सपोर्ट भी हट जाता है। अब यहाँ पे हैदर अली अकेले हैं, ठीक है, कमजोर हैं, एज भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन चूंकि बहादुर हैं और अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रोंग उनका क्या है, डिटर्मिनेशन है। तो अब यहाँ पे युद्ध होता है, और युद्ध लड़ना शुरू होता है 1780 से 1784 तक, ठीक है। अब इस युद्ध में ना कंटिन्यूअसली युद्ध में अलग अलग युद्ध की घटनाएं होती है, अलग अलग सीरीज ऑफ वॉर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक दिन युद्ध चल रहा है, तो अलग अलग इवेंट्स यहाँ पे युद्ध में होते हैं। कई इवेंट्स में हैदर अली जीत जाता है, कई इवेंट्स में ब्रिटिशर्स भी जीत जाते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली युद्ध चलता है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें तो इसी युद्ध में एक घटना घटती है जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ पोलिलूर। तो बैटल ऑफ पोलिलूर की अगर बात की जाए, यहां पे लिख देता हूं पोलिलूर, बैटल ऑफ पोलिलूर, ठीक है, तो ये एक बैटल है जिसके बारे में हम यहां पे हल्का सा डिस्कशन करेंगे, जो दैट वाज द पार्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ही एक पार्ट है या उसी का एक भाग है, बैटल ऑफ पोलिलूर। और इसी तरह एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। तो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो किसके बाद होगा, बैटल ऑफ पोलिलूर के बाद,
ठीक है। तो बैटल ऑफ पोलिलुर की बात करें, ये युद्ध हुआ था 10th of September 1780 को, 10 सितंबर 1780 को लड़ा गया है। बस इतनी चीज ध्यान रखिएगा, इट वॉज द पार्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर का ही एक भाग है बैटल ऑफ पोलिलुर, ठीक है। तो बैटल ऑफ पोलिलुर की बात करें, 10 सितंबर 1780 को लड़ा गया था एट द पोलिलुर नियर कांचीपुरम। ये जगह कहाँ पर आती है? कांचीपुरम। आप सभी को पता है कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु में आता है। तो कांचीपुरम में ये युद्ध लड़ा गया है एज पार्ट ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इट वॉज द बेस्ड बिटवीन टू फोर्सेस कमांडेड बाई टीपू सुल्तान ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम बेली। तो ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो एक तरफ आप लोग ध्यान रखेंगे हैदर अली, या हैदर अली के जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, इसमें लीड कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो था वो था कर्नल बेली, ठीक है। तो कर्नल बेली यहाँ पे ब्रिटिशर्स को क्या कर रहा था? लीड कर रहा था, ठीक है, कर्नल बेली, ठीक है। और यहाँ पे हैदर अली दूसरी साइड थे, या हम बोले हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान इस वॉर में लीड पोजीशन पर थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान की फोर्सेस, और ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहे थे कर्नल बेली, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है। टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सरेंडर्ड एंड सफर्ड अ हाई नंबर ऑफ कैजुअल्टीज। तो इस युद्ध में बुरी तरह हार हुई है, बुरी तरह हार हुई है किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिफीटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पे हार हो गई है, ठीक है। तो बैटल ऑफ पोलिलुर में हार हो जाती है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इवेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये हार छोटी मोटी हार नहीं है, बहुत बुरी या बुरी तरह से हार हो जाती है। कई सारे लोगों की इसमें डेथ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के, कई सारी कैजुअल्टीज होती है, ठीक है। द वर्स्ट लॉस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सफर्ड ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये एक बहुत बुरी तरह से हार हुई है, जो बुरी तरह से हार हुई है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंडिया में अभी तक के युद्धों में। तो एक तो पंजाब में जो युद्ध होता है चिलियांवाला का ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, 1849 में, वो उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बुरी हार होती है उस युद्ध में। और उसी तरह एक और जो इवेंट है वो है बैटल ऑफ पोलिलुर, जिसमें बुरी तरह से हार हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेली की। तो बेली एंड द मेनी ऑफ हिज ऑफिसर्स वर कैप्चर्ड एंड टेकन टू द मैसूर कैपिटल एज श्रीरंगपट्टनम। इन दोनों को, कर्नल बेली और बाकी जो ऑफिसर्स थे, उन्हें कैद करके कहाँ ले जाया जाता है? श्रीरंगपट्टनम। और कैपिटल जो है ना मैसूर की, अभी तक मैंने बात नहीं की है, कैपिटल जो थी उस समय मैसूर की वो क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में कैद करके इन लोगों को वहां पे रखा जाता है। अब क्या होता है, आफ्टर ब्रिटिश री इन्फोर्समेंट फ्रॉम कलकत्ता अराइव्ड, आयरकुट वॉज एबल टू स्टेब्लिश द सिचुएशन एंड काउंटर अटैक। अ सेकेंड बैटल वॉज फोट अ ईयर लेटर इन द सेम एरिया वेयर आयरकुट डिफीटेड हैदर अलीज फोर्स। तो यहाँ पे अब जो कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी थी, वहां से कर्नल वेली के स्थान पर भेजा गया है किसे? सर आयरकुट को। सर आयरकुट ज्यादा योग्य कमांडर था, तो अब सर आयरकुट आया है युद्ध को लड़ने के लिए। और उसी स्थान के लगभग लगभग एक साल के बाद डबल से सेकेंड युद्ध होता है इसी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, और आयरकुट फिर पराजित कर देता है किसे? आयरकुट फिर पराजित कर देता है हैदर अली की फोर्स को, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लेकिन एक खास बात और कि इस युद्ध में साथ ही यूज किया गया था किसका? रॉकेट का, ठीक है। तो रॉकेट का भी यूज हुआ है। रॉकेट्स की अगर बात करें, द मैसूर रॉकेट्स यूज्ड ड्यूरिंग द बैटल वर मच मोर एडवांस देन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड प्रीवियसली सीन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन रॉकेट्स का यूज किया था ना, उनसे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के, उनसे भी ज्यादा अच्छे रॉकेट्स यूज किए गए थे मैसूर की फोर्स के द्वारा ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पोलिलुर। तो पोलिलुर के युद्ध में ना काफी अच्छी टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स यूज किए थे किसने? मैसूर की सेना ने। अगर हम इन रॉकेट्स की बात करें, तो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ आयरन ट्यूब्स फॉर होल्डिंग द प्रोपल्शन, दिस इनेबल हायर थ्रस्ट एंड लॉन्गर रेंज फॉर द मिसाइल। तो इसमें हायर थ्रस्ट और सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा जो रेंज थी, डिस्टेंस काफी लंबी कवर किया करते थे ये रॉकेट। अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तक कवर कर जाते थे ये रॉकेट्स, ठीक है, जो यूज किए जा रहे थे उस समय पर किसके द्वारा? मैसूर की फोर्स के द्वारा। आफ्टर टीपू सुल्तान इवेंचुअली डिफेटेड इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में
जब टीपू सुल्तान की हार हो जाती है फाइनली 1799 में, और जब ब्रिटिश फोर्स मैसूर स्टेट में एंटर करती है ना, तो कई सारे चौंकाने वाली चीजें वहां पे देखते हैं, जैसे कि रॉकेट्स टेक्नोलॉजी का उन्हें काफी फायदा मिलता है, और जो रॉकेट इन लोगों ने यूज किए थे उसी टेक्नोलॉजी पर या उसी उन्हीं रॉकेट्स के माध्यम से ये नेपोलियन के साथ जब युद्ध लड़ते हैं तो उनका यूज करते हैं। और साथ ही जब वो मैसूर स्टेट में जाते हैं तो उन्हें वहां की समृद्धि, वहां के वेलफेयर के बारे में पता चलता है, और वो ये देखते हैं कि ब्रिटिश एरिया के जो फॉर्मर्स थे ना, उससे भी ज्यादा अच्छे फॉर्मर्स रहा करते हैं, किसमें उससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति में लोग रहा करते थे, कहां पर, मैसूर स्टेट के अंदर। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए, सेकेंड जो मैंने एक युद्ध आप लोगों को बताना है वो है बैटल ऑफ पोर्टोनोवो। तो ये जो बैटल ऑफ पोर्टोनोवो है, इट वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये भी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का ही एक क्या है, एक कड़ी है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की ही एक कड़ी है बैटल ऑफ पोर्टोनोवो। ठीक है, ये जगह भी जो है पोर्टोनोवो, ये भी तमिलनाडु में कोस्टल रीजन में आती है। ठीक है, कांचीपुरम भी मैंने बताया तमिलनाडु में ही है, तो तमिलनाडु के ही कोस्टल रीजन में आता है पोर्टोनोवो। वहां पर एक युद्ध लड़ा जाता है 1 जुलाई 1781 को। यह है 10 सितंबर 1780, यह है 1 जुलाई 1781। ठीक है, अब ब्रिटिश फोर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स को लीड कौन कर रहा था, तो यहाँ पे है आयरकुट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि 1 जुलाई 1781 बिटवीन द फोर्स ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन प्लेस कॉल्ड द पोर्टोनोवो ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, द ब्रिटिश फोर्स नंबरिंग मोर देन 8,000 अंडर द कमांड ऑफ सर आयरकुट डिफीटेड द फोर्स एस्टिमेटेड ऑफ 40,000 अंडर द लीडरशिप ऑफ हेदरली। तो यहाँ पे 4,000 की फोर्स के द्वारा 40,000 की फोर्स को डिफीट कर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी 8,000 की फोर्स, 8,000 की ब्रिटिश फोर्स के द्वारा डिफीट किया जाता है हैदर अली की 40,000 की फोर्स को। और यहाँ पे ना ब्रिटिश फोर्स को लीड कौन कर रहा है, तो ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहा है आयरकुट। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं किसका, सर आयरकुट का। ये ब्रिटिश फोर्स का लीडर है इस समय, कौन था इस समय, था कर्नल बेली, कर्नल बेली, और यहाँ पे कौन है, सर आयरकुट। आयरकुट डिफीट करता, हरा देता है किसे, हैदर अली को। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, पोर्टोनोवो के युद्ध में किसकी विजय होती है, तो पोर्टोनोवो के युद्ध में विजय होती है ब्रिटिशर्स की, और लीडर कौन है, आयरकुट। दूसरा, बैटल ऑफ पालिलूर में विजय होती है किसकी, तो विजय होती है हैदर अली की, और कर्नल कौन था या लीडर कौन था ब्रिटिशर्स का, कर्नल बेली। कर्नल बेली की हार हो जाती है और 1782 में कर्नल वेली की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में आयरकुट को भेजा जाता है और 81 में आयरकुट पराजित कर देते हैं पोर्टोनोवो के युद्ध में। अब देखिए, यहीं पर एक और इवेंट ध्यान रखना है, दिसंबर 1782 ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर के बीच में ही 1782 दिसंबर 1782 में, इन 1782 लगभग 7th ऑफ दिसंबर, एक इंपॉर्टेंट इवेंट यह होता है, एक महत्वपूर्ण घटना यह घटती है कि डेथ हो जाती है किसकी, हैदर अली। हैदर अली की इसी दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, डेथ ऑफ हैदर अली, हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 दिसंबर 1782 में। और यहाँ पर जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तब टीपू सुल्तान को इस चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है। टीपू सुल्तान वहां पहुंचते हैं और फिर वो यहाँ पर अपने पिता का स्थान लेते हैं, अपने पिता के स्थान पर ये अगले रूलर बन जाते हैं कहाँ के, मैसूर के। ठीक है, हालांकि देखिए, हैदर अली ने कभी भी टाइटल नहीं लिया था, क्योंकि वो रूलर अभी भी किसको मान रहे हैं, वडियार वंश के ही व्यक्ति को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, डेथ हो जाती है हैदर अली की और अगला व्यक्ति कौन हो जाता है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इस वॉर को कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यूअसली युद्ध चलता रहता है और 84 तक कंटिन्यूअसली चलता है, लेकिन दोनों ही फोर्स को कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कोई भी यहाँ पे किसी की हार नहीं होती, किसी की विजय नहीं होती। फाइनली दोनों पार्टीज को क्या करना पड़ती है, ट्रीटी करना पड़ती है, संधि करना पड़ती है, और फिर एक ट्रीटी साइन की जाती है 1784 में, दैट ट्रीटी वॉज नोन एज द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो यहाँ पे ये युद्ध जो है वो खत्म होता है बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर की संधि के माध्यम से ये युद्ध क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैंगलोर की संधि के प्रोविजंस क्या है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति शांति रखेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ पीस रखेंगे। ठीक है, तो मेंटेनिंग पीस वॉज द फर्स्ट प्रोविजन एंड द सेकेंड वन इज प्रीपोजिशन। जो टेरिटरी, जो एरिया जीता गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने उस रीजन को खाली कर दिया मैसूर का, और जो रीजन पर मैसूर की फोर्स आगे बढ़ी थी, उन्होंने वो क्षेत्र से पीछे हट गए, रिट्रीट कर लिया है और अपनी टेरिटरी में आ गए। तो अपनी प्रीपोजिशन पर आ गई है दोनों फोर्सेस,
और जो पहला प्रोविजन है वो क्या है, मेंटेनिंग पीस, दोनों ही फोर्सेस ने पीस को मेंटेन किया, ठीक है। तो यहाँ पर होता है सेकेंड मैसूर वॉर का की समाप्ति बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि के माध्यम से। फर्स्ट खत्म हुआ था बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड खत्म हुआ है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। युद्ध में ट्रीटीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने जैसे डिस्कस किया है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर का युद्ध जब खत्म हुआ था तो दो संधियां हमने डिस्कस की थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद प्रथम एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स डिस्कस कर रहे थे, सॉरी, जब हम एंग्लो मैसूर वॉर या कार्नेटिक, सॉरी, एंग्लो फ्रेंच वॉर या हम कार्नेटिक वॉर्स जब डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमने तीन ट्रीटीज पढ़ी थी। जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर था या फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो खत्म हुआ था बाय द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-सापल, एक्स-ला-सापल की संधि के द्वारा। सेकंड जो वॉर था वो खत्म हुआ था बाय द ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, पॉन्डिचेरी की संधि के द्वारा। एंड द थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड द फाइनल कार्नेटिक वॉर वाज एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि के द्वारा तीसरा कार्नेटिक वॉर क्या हुआ था, खत्म हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ट्रीटीज ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रीटीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ट्रीटी कब हुई थी, किस ट्रीटी के माध्यम से क्या हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो लड़ा गया है 1792 बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रूलर ऑफ मैसूर हु वाज नोन एज टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश फोर्स के बीच में 1792-92 में हुआ है तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।